असलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर गुड एंड वेल। अच्छा बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एडवर्ब पढ़ा था, तो आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो होता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर है, तो यहाँ पे इस बर्ड का इस ट्री के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कौन शो कर रहा है? प्रेपोजिशन यानी कि ऑन शो कर रहा है। तो ये क्या किया इसने? रिलेशनशिप बताया बर्ड एंड ट्री के दरमियान। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में है, द कैट इज़ इन द टेबल। तो बिल्ली एंड टेबल का जो रिलेशनशिप किसने दिखाया? इन यानी कि प्रेपोजिशन है इन। यहाँ पर उसने दिखाया कि बिल्ली टेबल के नीचे है। तो प्रेपोजिशन हम किसने यूज़ करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन का आपस में जो रिलेशनशिप होता है या फिर किसी अदर वर्ड का सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप हो तो उसको शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इस काऊ का इस ट्री के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, इस ट्री का इस हट के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। द काऊ इज़ नियर द ट्री। जो काऊ है वो ट्री के करीब है, तो वो क्या हुआ? उसका रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, और नियर क्या है? प्रेपोजिशन है जो इन दोनों के आपस में जो कनेक्शन है उसको शो कर रहा है। फिर द ट्री इज़ बिहाइंड द हट। तो ये जो बिहाइंड है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, जो इस हट का इस ट्री के साथ जो रिलेशनशिप है यानी कि वो बता रहा है। नाउन है ट्री भी एंड हट भी एक नाउन है, और ये लोग के आपस में रिलेशनशिप क्या है? प्रेपोजिशन यानी कि बिहाइंड। जो ट्री है हट के बिल्कुल पीछे है, तो वो बता रहा है कौन? हमें बिहाइंड बता रहा है यानी कि प्रेपोजिशन बता रहा है। फिर हम आते हैं प्रेपोजिशन के टाइप्स पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन का जो पहला टाइप है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या करता है? किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट आउट करता है सेंटेंस में। जैसे कि इन, एट एंड ऑन, ये क्या है? टाइप जो है हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम उसके एग्जांपल्स हैं। जो हम इन यूज़ करते हैं वो हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स एंड सीजन्स की बात करते हैं तब हम इन यूज़ करते हैं। और एट हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक और के लिए, डे के लिए, हॉलीडे के लिए। एंड ऑन जो है हम यूज़ करते हैं वीकडेज के लिए, जर्नल डेज के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक डेट के लिए। जैसे कि आई हैवन्ट सीन माई कज़न इन एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एट इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे एक लंबे टाइम पीरियड की बात की ना मैंने, इसलिए मैंने इन यूज़ किया। फिर दूसरी एग्जांपल में, आई विल सी यू एट द डिनर टाइम। तो डिनर टाइम की बात हो रही है तो एक लंबा अरसा नहीं है, तभी मैंने एट यूज़ किया। फिर इस तीसरी एग्जांपल में, आई हैव माई फ्लाइट ऑन ट्यूज़डे मॉर्निंग। तो मेरी जो ट्यूज़डे मॉर्निंग पर फ़्लाइट है तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे ऑन जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और बता रहा है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो ट्यूसडे मॉर्निंग पर है। तो ट्यूसडे मॉर्निंग एक स्पेसिफिक मैंने डे बताया तभी मैंने ऑन यूज़ किया। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फिर नीचे इसका जो है एग्जांपल्स हैं, इसके यूजेज जो मैंने बताया इन, ऑन एंड एट का। जैसे कि यहाँ पे ये जो इन है, फिर ये इसके यूजेज है। इनके साथ हम एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग एंड 2023 ये जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, द इवनिंग, इन द इवनिंग एंड इन द विंटर, इन 2013। तो ये क्या है? टाइम पीरियड्स हैं जो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, इनके लिए इन यूज़ की जाती है। फिर यहाँ पे ऑन संडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे आफ्टरनून, यानी कि स्पेसिफिक डे या फिर स्पेसिफिक वीक डे बताए जा रहे हैं, स्पेसिफिक डेट्स बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? हम ऑन यूज़ कर रहे हैं। फिर जो तीसरा मैंने बताया एट, तो एट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? एट नाइट, एट 10:30, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बता रहे हैं। एट बेड टाइम, एट सनराइज। फिर हम दूसरे टाइप पर आते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किसी भी सेंटेंस में
हमें एक प्लेस के बारे में बताता है, ये बताता है कि वेयर समथिंग हैपेंस। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो मैरी जो है ट्री के नीचे बैठी थी। तो अंडर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये हमें बता रहा है एक प्लेस के बारे में, ये हमें शो कर रहा है मैरी की बैठने की प्लेस, ठीक है। और साथ ही साथ इस सेंटेंस में ये मैरी और ट्री का आपस में रिलेशनशिप भी शो कर रहा है। फिर नीचे ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझने में। जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन, मेरा एक दोस्त है जो स्पेन में रहता है। तो यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो एक प्लेस के बारे में बता रहा है। फिर देयर आर अ ट्री बिसाइड द रिवर, तो बिसाइड भी यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो जो है बता रहा है कि जो ट्री है वो कहाँ है, बिसाइड द रिवर है ना, रिवर के रिवर और ट्री, रिवर एंड ट्री का जो आपस रिलेशनशिप है वो भी साथ ही साथ दिखा रहा है। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, जो डॉग है वो मैन के सामने है, तो ये क्या है, उस डॉग की प्लेस है, इन फ्रंट ऑफ उसको शो कर रहा है। इसी तरह नीचे ये सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर यहाँ पे इस फिगर में ये जो बॉक्स एंड एप्पल के थ्रू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि बिलो, अबोव, ऑन टॉप ऑफ, ऑन, या फिर इन फ्रंट ऑफ, अंडर, या फिर अंडरनीथ, बिहाइंड, ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस है। और इनको सेंटेंस में भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉक्स, ठीक है। तो एप्पल कहाँ है, बॉक्स के बीच में है, ये इस सेंटेंस में बताया गया है। जिस और दूसरी बात जो मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, बिटवीन एंड अमंग के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो अमंग होता है दो चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ हो तो उसके बारे में बताता है, यानी कि हम उस तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें हों उसके बीच में एक चीज़ हो तब हम अमंग यूज़ करते हैं, लेकिन जो बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अमंग की बात करेंगे तो अमंग हम बहुत सारे लोगों के बीच में कोई एक चीज़ हो तब हम अमंग यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स में और ज़्यादा इजी लगेगा ताकि। तो ये जो है बिटवीन जो है एग्जांपल है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की। यहाँ पे बिटवीन जो है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन को शो करेगा, जैसे कि आई सेट बिटवीन माई टू बेस्ट फ्रेंड्स, मैं मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी। तो यहाँ पे बिटवीन क्या कर रहा है, मेरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कहाँ पर बैठी थी, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी। तो वहाँ पे मैंने बिटवीन यूज़ किया। मैंने ऊपर भी बताया कि बिटवीन दो लोगों के बीच में जो, या फिर दो चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ होगी हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन यूज़ करेंगे, ठीक है। इन द स्पेस दैट सेपरेट्स टू पीपल और टू थिंग्स, तो यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही तभी स्पेस यूज़ किया गया है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन है वो लोकेशन बताता है हमें। फिर इसी तरह दूसरी भी यहाँ पे एग्जांपल है अक्रॉस फ्रॉम, ठीक है। अक्रॉस फ्रॉम हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग और समवन एल्स, कोई भी चीज़ जो हमारी अपोजिट साइड में लोकेटेड हो, जैसे कि शी लिव्स इन द बिल्डिंग अक्रॉस फ्रॉम माइन, वो मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे शी रहती है, तो वो बिल्कुल मेरे सामने हुई ना, उसकी लोकेशन बिल्कुल मेरे सामने है, वो मेरे सामने ही लोकेटेड बिल्डिंग में रहती है, तभी मैंने अक्रॉस फ्रॉम यूज़ किया। तो ये थे एग्जांपल प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन के। फिर एक टाइप है जो प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या शो करता है, शो रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशन शो के रिलेशनशिप को शो कर, तो हम उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन। जैसे कि शी इज़ सिटिंग विथ हर फ्रेंड, तो अब वो अपने दोस्त के साथ बैठी थी, तो ये क्या है, उसका अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप। यहाँ पे ये जो उस हर फ्रेंड एंड शी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो कर रहा है, विद, यानी कि प्रीपोजिशन। यहाँ पे विद क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो शी एंड हर फ्रेंड उसके बारे में हमें बता रहा है, उसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है। दिस इज़ द शुगर फॉर द केक, तो यहाँ पे ये जो फॉर है ये क्या है, रिलेशन, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है केक का शुगर के साथ,
ऐसे प्रेपोजिशंस जो कि रिलेशनशिप दिखाएं दो चीज़ों का आपस में, तो हम उसको कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन। वैसे तो प्रेपोजिशन का काम ही होता है रिलेशनशिप दिखाना। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसे प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन के बारे में बताएं, जैसे कि द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर, ठीक है, द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल, अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इन पर फोकस करें। द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी, वी वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मियामी। तो टूवर्ड्स क्या है, हमारी डायरेक्शन है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मियामी की तरफ, ठीक है। तो टूवर्ड्स क्या हो गई, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप दिखा रहा है हमारा मियामी के साथ, ठीक है। तो टूवर्ड क्या है, राइट क्या है, अलोंग टाउन, आफ्टर ये है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्शन को शो करते हैं। और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स हैं ताकि और ज़्यादा आपको इजी लगे समझने में। जैसे कि अब वो हो गया हमारा, अब वो अंडर, अलोंग, अराउंड, ये क्या है हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से। फिर उनको सेंटेंस में भी यूज़ किया गया है, द सन इज़ अबोव द क्लाउड्स, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द डॉग्स आर ईटिंग अलोंग द रिवर, द टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर, मीट मी एट द स्टॉप साइन। तो इसी तरह ये क्या है हमारे सारे के सारे डायरेक्शंस हैं और इनको सेंटेंस में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे कम स्टैंड बिसाइड मी, पुट द सैंडविच ओवर ओवर द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू द बेड। फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस ये एक तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, बिल्कुल सिंपली होते हैं। सिंपल प्रेपोजिशंस आर सिंगल वर्ड्स प्रेपोजिशन दैट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी सेंटेंस में रिलेशनशिप को शो करते हैं और सिंगल प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट, टू, ऑफ, फ्रॉम, विद, बाय, अप, डाउन, थ्रो, अंडर, आउट, ईटीसी। ये जो है सारे हमारे सिंगल एंड सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है, थीके? तो इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। फिर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है, शी केप्ट ऑल द कॉइन्स इन अ बॉक्स, जॉन इज़ गुड एट वॉलीबॉल। तो एट यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, एक सिंपल प्रेपोजिशन है, वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, यानी कि वो वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है। फिर द ट्री इज़ नेटिव टू इटली, तो यहाँ पे टू क्या है, एक सिंपल प्रेपोजिशन है। फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर, तो यहाँ पे ऑफ क्या, एक सिंपल प्रेपोजिशन है। ही वॉशेज हिज कार ऑन संडे, वो अपनी कार को संडे संडे पर धोता है, संडे को धोता है। तो यहाँ पे ऑन क्या है, एक प्रेपोजिशन है जो कि बिल्कुल सिंपल है, एक सिंगल वर्ड है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहेंगे। ऐसे प्रेपोजिशन जो कि सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन हो तो हम उसको बोलेंगे सिंपल प्रेपोजिशन। फिर इसके अपोजिट में आता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर जनरली फॉर्मड बाय कंबाइनिंग अ प्रेपोजिशन। इसमें क्या होता है कि हम प्रेपोजिशन को कंबाइन करके जब बोलते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। मोस्टली जनरली क्या होता है, सच एज अ और बी, अ और बी को किसी भी प्रेपोजिशन के साथ हम अगर कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाएगा। वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में वो कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ये क्या है हमारे प्रेपोजिशन है, कौन से प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन। यहाँ पे देखो बी एंड साइड, तो बी और साइड दो चीज़ें मिला के एक वर्ड बना लिया, उसको हम बोल रहे हैं प्रेपोजिशन। फिर इसी तरह अ एंड अबाउट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिलके अबाउट हो गया, यानी कि कंबाइन हो गया। फिर अ एंड क्रॉस, तो अ एंड क्रॉस मिला के अक्रॉस हो गया। अ एंड मंग, तो अ एंड मंग मिला के अमंग हो गया। बी एंड ट्विन, तो बी एंड ट्विन मिला के क्या हो गया, बिटविन हो गया। फिर देखते हैं इसके एग्जांपल को ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाए। द बेबी क्राउड अक्रॉस द फ्लोर, द वॉक स्लोली अलॉन्ग द रोड, द अर्थ गोज अराउंड द सन,
आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, मैंने मेरा कोट जो है दरवाजे के पीछे टांग दिया। तो यहाँ पे ये बिहाइंड क्या है, हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। एंड द सन सांक बिलो द हॉरिजन, नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर, दरवाज़ा नॉक करें अंदर आने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर क्या है, हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल नहीं है, देखो बी एंड फोर दो चीज़ें मिला के एक जो है वर्ड बनाए इसलिए। और इधर यहाँ पे ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस के सारे एग्जांपल्स हैं, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिहाइंड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। फिर यहाँ पे ये उनके यूजेजेस हैं सेंटेंसेस में। फिर जो है हमारा दूसरा टाइप, लास्ट टाइप, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज। मैंने आपको अगर याद होगा कि मैंने फ्रेजेस पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैंने आपको मेंशन कराया था प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये एक तरह के फ्रेजेस होते हैं यूनिक टाइप के, जिनमें जो प्रेपोजिशन से बनते हैं, जैसे कि फ्रेज प्रेपोजिशन आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस आर प्रेपोजिशन फ्रेजेस, ठीक है, दैट कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर टू वर्ड्स, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू या फिर ड्यू टू ETC। ये क्या हैं, फ्रेजेस होते हैं जो प्रेपोजिशन की बुनियाद पर बनते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे कि ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, ये क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें हमने प्रेपोजिशन फ्रेज यूज़ किया है। फिर इधर ये जो सेंटेंसेस हैं, फिर यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, ही लेफ्ट द फील्ड बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ फियर, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ फियर क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारा। और यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ, तो बाय मीन्स ऑफ क्या है, हमारा प्रेपोजिशन ऑफ, रॉप ही रीच्ड द रूफ। तो मैंने आपको पहले बताया था फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं एक इनकम्प्लीट क्लॉज की तरह होता है, वो इनकम्प्लीट होते हैं और उनकी जो कम्प्लीट मीनिंग है वो नहीं निकलती। जैसे कि इन दी क्लास, तो इन दी क्लास क्या है, क्लास के अंदर, तो क्या है क्लास के अंदर, तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, बट इसके पास एक कम्प्लीट सेंस और कम्प्लीट मीनिंग नहीं है। सेंस भी होता है लेकिन कम्प्लीट मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ बींग इल मिस्टर ओझा डिड द वॉक, ठीक है, ही शट द डोर इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट। तो ये क्या है, हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस थे जो आ जाते हैं हमारे फ्रेज प्रेपोजिशंस में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसलिए दिए हैं ताकि आपको और ज़्यादा इजी लगे। यहाँ पे इन, ऑन और एट के फ्रेजेस दिए हैं एग्जांपल्स में, जैसे कि एट का, तो एट वर्क हो गया, एट वर्क हो गया, एट कॉलेज हो गया, एट स्कूल हो गया, एट दी बस स्टॉप। और यहाँ पे इनका, इन दी हाउस, इन दी कार, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट, तो ये क्या हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है। ऑन द कॉर्नर, ऑन अ ट्रेन, ये सारे जो सारे ये सारे के सारे हमारे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन, बहुत ईजी सा टॉपिक था। आई होप सो आपको समझ आ गया हो।